Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today, in this series of 12th Commerce CCSP, we will be continuing with chapter number 1 of SP portion, that is issue of share. And in this 5th part of the video, today we will start with renunciation of share. Before starting about renunciation of share, we will discuss about the recap that what we have learned till now. Or what you discussed till now. Till now, we have started first with the three important provisions that to be followed. Then we came with process of share application. Then we discussed about the classification of shares. Then allotments and classification of share allotment. What was the minimum subscription, minimum share to be allotted to retail investors. Classification of investors into four types, which kind of shares are to be issued, and so on. In the last part of the video, we have studied majorly about the irregular and illegal allotment of shares. And today we'll start with renunciation of share. Now, what is renunciation of share? Before starting renunciation of share, we need to know about the right share. Now, what is right share? When a company offer its existing shareholders some additional amount of shares, that is called right share. Means जब भी कोई कंपनी अपने existing shareholders को नए shares purchase करने के लिए right देती है, offer करती है, उसको हम कहते हैं right share. Now what is renunciation? Renunciation is a process when existing shareholder can give up some or all shares offered as right share to him in favor of another person. Means सपोज एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड के 1000 शेयर्स मेरे पास है और 1000 शेयर्स के अगेंस्ट में कंपनी ने मुझे 100 न्यू शेयर्स परचेज करने का राइट दिया है. राइट दिया है मतलब वो न्यू शेयर्स जो 100 है वो राइट शेयर कहलाएंगे, उनको जब तक मैं चाहूँ सिर्फ मैं ही परचेज कर सकता हूँ. ओके, तो जो राइट शेयर्स हैं उसको किसी और अनदर पर्सन के फेवर में ट्रांसफर करने के लिए या किसी और पर्सन को देने के लिए अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कंपनी से, तो दैट इज नोन एज रिनंसिएशन ऑफ शेयर. मीन्स जो राइट शेयर मुझे मिले हैं वो मुझे किसी फ्रेंड को या मेरे किसी रिलेटिव को या मेरे ब्रदर को देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कंपनी से मेरी जगह पे, सो दैट इज नोन एज रिनंसिएशन ऑफ शेयर. एंड फॉर रिनंसिएशन ऑफ शेयर, शेयर होल्डर हैज टू फिल अ फॉर्म एंड सबमिट इन टू द कंपनी. ओके, फॉर्म भर के कंपनी को वापस देना पड़ता है और रिनंसिएशन शुड बी एज पर द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी. नाउ टॉकिंग अबाउट रिनंसिएशन, रिनंसिएशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इज लेटर ऑफ रिनंसिएशन इन विच द ओरिजिनल शेयर होल्डर साइंस एंड स्टेट दैट द ही वांट्स टू रिनंसिएट सम और ऑल शेयर इन फेवर ऑफ सर्टेन पर्सन. मीन्स फर्स्ट केस तो क्या हो गया, एक लेटर ऑफ रिनंसिएशन जो आता है साथ में उसमें ओरिजिनल शेयर होल्डर है वो साइन करेगा और ये स्टेट करेगा कि ये जो शेयर्स है इसका कोई पार्ट या सारे के सारे शेयर्स किसी सर्टेन पर्सन के फेवर में ही वांट टू रिनंसिएट, ये उनको देना चाहते हैं. एंड सेकंड पार्ट इज रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, द पर्सन इन हुज फेवर शेयर्स आर टू बी रिनंसिएटेड साइंस एंड रिक्वेस्ट द कंपनी टू अलॉट शेयर्स टू हिम. और दूसरे केस में अपोजिट है. सपोज फर्स्ट केस में मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको देना चाहता हूँ, तो फर्स्ट केस में मैं अगर ओरिजिनल शेयर होल्डर हूँ तो मैं एक लेटर ऑफ रिनंसिएशन लिख के कंपनी में भेजूंगा, उसमें अंडर साइन करूंगा, उसमें लिखूंगा मेरे पार्ट के जो शेयर है 100 शेयर्स वो मेरे पर्टिकुलर फ्रेंड को दे दिए जाए. ओके, और दूसरे केस में क्या है, जो मेरा पर्टिकुलर फ्रेंड है जिसके फेवर में मैं शेयर्स करना चाहता हूँ वो खुद कंपनी को रिनंसिएटेड साइन करा हुआ लेटर लिखेगा और कंपनी से रिक्वेस्ट करेगा कि मिस्टर विरल ने ये शेयर्स मुझे रिनंसिएट करने का प्रॉमिस किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो शेयर्स रिनंसिएट हुए हैं मुझे विरल, मिस्टर विरल के थ्रू, वो मुझे अलॉट कर दीजिए. क्लियर, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिनंसिएशन. कंपनी डिसाइडेड टाइम लिमिट फॉर सेंडिंग द रिनंसिएशन लेटर. इफ द लेटर इज रिसीव्ड फ्रॉम ओरिजिनल शेयर होल्डर्स विद इन टाइम लिमिट डिसाइडेड बाय द कंपनी, company makes appropriate notes in the statement of application and allotment. When the list of membership is prepared, the name of other person is recorded as member. और renunciation के लिए भी एक particular specific time दिया जाता है company के थ्रू. अगर उस time span के बीच में
लेटर ऑफ रिनंसिएशन कंपनी तक पहुंच जाता है, कंपनी को मिल जाता है, तो जो स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है उसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर नेम के अगेंस्ट, और जो नया नेम है उस नए नेम को एज अ मेंबरशिप रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट। नाउ व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट? न्यूली एस्टेब्लिश कंपनीज इन्वाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू देयर शेयर्स इन अ पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस। After receiving applications in response to this invitation, board of directors decide the basis of allotment of shares. According to prevailing rules and regulations, and decides the number of shares to be allotted to respective applicants. In such a statement, the number of applicant, address, number of shares applied for, number of shares allotted, demat account number, depository ID, permanent account number, that is PAN number, etc. are mentioned. Nowadays, such statements are prepared with the help of computer software. Okay? So, generally, the statement of share allotment is for those companies that are doing new public issue or the new established company that prospectors ke through public issue. Karte hai. Okay? What happens is that as applications ke responses aate hai, ye invitations ke basis, offer ke basis pe invitations aate hai, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर लेते हैं कि किस किस को कौन से बेसिस पर शेयर अलॉटमेंट करना है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद एक स्टेटमेंट बनता है जिसके अंदर एप्लीकेंट का नेम, एप्लीकेंट को कितने शेयर अलॉट हुए वो, एड्रेस, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, डीमैट अकाउंट नंबर, डिपॉजिटरी आईडी नंबर, पैन नंबर एंड अदर डिटेल्स आर मेंशन। अर्लियर एक ये हैंड प्रिपेयर नोट्स होते थे, हैंड प्रिपेयर शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट बनता था, बट नाउ इन द एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन दिस होल प्रोसेस इज डन थ्रू विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी विद रिस्पेक्ट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट के साथ साथ जो कंपनी सेक्रेटरी उनकी क्या क्या ड्यूटीज है। जनरली कंपनी सेक्रेटरी जो होता है उनको दो एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ता है व्हाइल शेयर अलॉटमेंट। नंबर वन इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड अदर वन इज कंपनीज एक्ट 2013। ओके, सो कंपनी सेक्रेटरी हैज टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ दिस टू मेन एक्ट्स। फर्स्ट वन इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेकंड इज द कंपनीज एक्ट 2013 और अमेंडमेंट 2014। क्लियर? नाउ व्हाट आर द रूल्स और व्हाट आर द ड्यूटीज दैट कंपनी सेक्रेटरी हैज टू फॉलो। फर्स्ट वन इज opening an escrow bank account in which with a scheduled bank by passing a resolution in the meeting of board of directors. First point ki first duty kya hai ki board of directors ki meeting mein resolution pass karwa ke koi bhi scheduled bank ke sath ek escrow bank account open karwana padega. Escrow bank account open karwana hai but it should be with the scheduled bank only. Clear? Next duty, drawing an agreement with the recognized stock exchange for the listing of share. कोई भी recognized stock exchange के साथ agreement करना share की listing के लिए, means listing of shares के लिए. Listing of shares means वो particular recognized stock exchange में agreement करना कि उस company का share को वो उनकी share की prices को या उनकी share को trade करने के लिए वो able करेंगे. Clear? So second is agreement with stock exchange for listing of share. Third is drawing an agreement with various intermediaries like lead manager, registrar, bankers through the issue, depository, brokers, etc. for the public issue. Public issue जो offer किया है या public offer जो दिया है share के लिए, वो shares के issue investor को easiness के लिए intermediaries जो mediators हैं, medium part जो बीच की parties हैं, उनके साथ प्रॉपर टाइप या प्रॉपर एग्रीमेंट करना, फिर वो चाहे बैंक हो, चाहे ब्रोकर्स हो, चाहे डिपॉजिटरी हो या रजिस्ट्रार हो या लीड मैनेजर्स हो। क्लियर? नेक्स्ट इज फुलफिलिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर विड्रॉल ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन एंड क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। मीन्स स्टैट्यूटरी प्रोविजन मीन्स जो गवर्नमेंट के रूल्स है, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन स्टैट्यूटरी रूल्स है शेयर एप्लीकेशन विड्रॉ करने के लिए या कोई सब्सक्रिप्शन लिस्ट को क्लोज करने के लिए, वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज
प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में कितने एप्लीकेंट्स हैं, मीन्स हमने चार कैटेगरीज की बेसिकली बात करी थी, रिटेल इन्वेस्टर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉयज। सो जो चार डिफरेंट कैटेगरीज के एप्लीकेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनाने के, सपोज 100% इन्वेस्टमेंट अगर हुआ है या 110% इन्वेस्टमेंट हुआ है, 110% एप्लीकेशंस में से रिटेल इन्वेस्टर्स की एप्लीकेशन कितनी है, HNI मींस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स नॉन इंस्टीट्यूशनल की इन्वेस्टमेंट कितनी है, एप्लीकेशन कितनी है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एप्लीकेशन कितनी है, एंड एट लास्ट एम्प्लॉयज की एप्लीकेशन अगर है तो कितनी है। सो प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। नेक्स्ट इज arrange meetings of the board of directors for allotment of shares and preparing minutes of such meeting. Means ये सब होने के बाद board of directors की meeting arrange करनी है और उनसे allotment of share है या meetings जो अभी तक हुई है उनकी minutes prepare करने के लिए meeting arrange करनी है। Next, informing applicants regarding share allotment. Means जिन जिन applications पे against share allot हुए हैं या जिन जिन applicants को share allot होंगे उनको इन्फॉर्म करना थ्रू SMS, थ्रू ईमेल। अर्लियर नोटिस जाता था लेकिन अब थ्रू SMS एंड थ्रू ईमेल ये काम होता है। क्लियर। इन्फॉर्मिंग एप्लीकेंट्स रिगार्डिंग नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ये तो हुआ कि जिनको शेयर अलॉट हुए उनको थ्रू ईमेल, थ्रू SMS इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, लेकिन जिन जिन एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट नहीं हुए उन एप्लीकेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी जरूरी है कि सॉरी वी आर नॉट एबल this time to allot you shares. Clear? Yeah, for example, किसी ने 5000 applications दी थी 5000 shares के लिए, लेकिन उनको 3000 applications, 3000 shares ही allot हुए हैं, तो उस case में भी आपको 3000 shares के लिए application का, share allotment का message भेजना पड़ेगा और 2000 shares के लिए non-allotment of shares का message भेजना पड़ेगा। Clear? नेक्स्ट इज फाइलिंग द शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हमने रिसेंटली देखा कि शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट एक बनाना पड़ता है, नाउडेज इट इज मेड विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ डिटेल्स। सो वो शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ फाइल करना रहता है। क्लियर। रिलीजिंग पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशंस इफ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड इनटू। अगर अंडर राइटिंग एग्रीमेंट हुआ था स्टार्टिंग में तो अंडर राइटिंग कमीशंस को रिलीज करना, अंडर राइटिंग कमीशंस को पे करना, वो भी कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी आती है। रिलीजिंग पेमेंट ऑफ एज एग्रीड अपॉन रेम्यूनरेशन टू लीड मैनेजर्स, डिपॉजिटरीज, ब्रोकर्स, रजिस्ट्रार टू द इशू एंड सो ऑन। जितने भी मीडिएटरीज के साथ एग्रीमेंट्स करे थे उन मीडिएटरीज को एज पर लॉ या एज पर लीगल वे जो पेमेंट्स होता है वो पेमेंट्स रिलीज करना और सबको पेमेंट करना, दैट इज अ ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। एंड लास्ट स्टेप ड्यूटी इज गेटिंग द शेयर्स लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाने चाहिए, ये लास्ट ड्यूटी है एक कंपनी सेक्रेटरी की। ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट शेयर अलॉटमेंट लेटर स्टेटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सबसे पहले हमने रिनंसिएशन ऑफ शेयर्स पढ़ा, रिनंसिएशन के दो टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देन वी हैव लर्न अबाउट शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट एंड देन वी हैव लर्न अबाउट द ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट पार्ट और द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर वील लर्न अबाउट शेयर कॉल, वॉट इज शेयर कॉल एंड वॉट आर द प्रोविजन्स रिलेटेड टू शेयर कॉल। ओके, सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग।